तो गाइस अभी तक आप लोगों ने देखा कि सिंचन के साले ने सारे सारे मिलिट्री व्हीकल्स को उड़ा दिया था। पर गाइस यार मेरे को सिक्योरिटी कैमरा से पता चल चुका कि ये सारा कांड उसने किया था। तो गाइस यार मैंने उसको डरा धमका के मैंने सारा अपना काम करवा लिया और सारी सारी चीजों को वापस रिपेयर कर लिया। अब आगे तो गाइस यार अभी तुम्हारे भाई ने और बैनी और सिंचन ने मिलकर हमने सारे सारे मिलिट्री के जितने भी हमारे पास व्हीकल्स आए थे, जो भी ब्लास्ट हो गए थे, जो भाई सिंचन के साले ने फाड़ दिए थे, हमने सभी को रिपेयर कर लिया और सबको बुलेट प्रूफ भी बना दिया जैसा कि मिलिट्री वालों की डिमांड थी। ठीक है सिंचन, ठीक है बैनी, आओ एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अच्छा तो सारी चीजें उचके ना, एक भी गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है ना? देखो कोई भी नहीं है, मैंने चेक भी कर लिया है, एकदम परफेक्ट सुमित, एकदम परफेक्ट, एक में भी कैसी भी कमी नहीं सुमित, टू लेट इनको। तो गाइस यार अब मुझे सिंपली इनको लेके जाना है मिलिट्री बेस के अंदर, इनकी डिलीवरी देनी है और उसके बाद भाई शाम तक अपनी पेमेंट हो जाएगी। और मैं बस ये सोच रहा हूँ भाई मिलिट्री वाले मेरे को कितना पैसा देने वाले इन गाड़ियों को मॉडिफाई करने में। ओह माय गॉड, मैं सोच सोच के पागल हो रहा हूँ गाइस, कितने पैसे मिलेंगे हम लोगों को यार, मजा आने वाला है भाई। यार मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ, तुम लोग बताओ कितने एक्साइटेड हो यार, देखते कितना पैसा मिलने वाला है हम लोगों को। तो फिलहाल गाइस तुम्हारा भाई आज का मिलिट्री के अंदर, और भाई मिलिट्री वालों को कोई खबर नहीं है कि असल में इनकी सारी गाड़ियां डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और हमने फिर से उनको रिपेयर किया है। तो गाइस ये अपनी लास्ट गाड़ी में सारी गाड़ी लेके आ चुका हूँ अपने शोरूम पे से, सारी की सारी लेके आ चुका हूँ, जितने भी इनके ट्रक्स थे, जितने भी इनकी ये वाली गाड़ियां थी, सबको मैंने बुलेट प्रूफ कर दिया है। तो गाइस यहाँ पर कर्नल भी आ चुका है और मिलिट्री के सारे बंदे भी आ चुके हैं, सारे तो नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे मिलिट्री में, पर मेजोरिटी बंदे यहाँ पर आ चुके जो भी बड़े पोजीशन पे, और सिंचन भी यहाँ पर है। तो कर्नल साहब बताओ सुमित, तुमने काम करा परफेक्टली। हाँ कर्नल साहब, आपने जैसा बोला था वैसा ही मैंने काम किया, सारे के सारे मिलिट्री के जितने भी आपने मेरे को व्हीकल्स दिए थे सबको बुलेट प्रूफ, मतलब हमारी आर्मी सबसे ज्यादा ताकत रहेगी। क्यों रशिया को हम लोग हरा सकते हैं अब? अरे बिल्कुल, आप एक गाड़ी से सबको उड़ा सकते हो। क्या माशाल्लाह, बात तो तुम्हारी बहुत खतरनाक है, मुझे अब इनको टेस्ट करना होगा। सिपाहियों तुम्हारे पास जो चीज है उससे इन गाड़ियों को टेस्ट करो, अगर एक भी गाड़ी फॉल्टी निकलती है तो सारा पैसा वापस। अरे सर इस बार हम ट्राई करेंगे, हमको पता है कि इसकी कमी क्या है। क्या इसको कैसे पता भाई? अरे हम देखो इस गाड़ी को कैसे फाड़ेंगे, बस तुम लोग देखना, इसका टैंक फाड़ दूंगा मैं ऑयल का। अब तुझे क्या लगा मैंने ऑयल टैंक के ऊपर सिक्योरिटी नहीं करवाई होगी? भाई पूरी सिक्योरिटी है, हर जगह पर बुलेट प्रूफ है भाई, टूट ही नहीं सकती गाड़ी कैसे भी। अरे ये क्या, ये तो फट भी नहीं रही है, मेरे को लगा कि ऑयल टैंक इसने अच्छा नहीं किया होगा, पर ऑयल टैंक भी काफी मजबूत है, बहुत ताकतवर बनाई है भाई सब गाड़ी तो। अरे सर बहुत ताकतवर है, इसके ऊपर मैं और टेस्टिंग कर सकता हूँ। मैंने क्या बोला, तुम्हें जो करना है वो करो, इसको चाहे खाई में से कुदाओ या फिर इसके ऊपर टैंक चलाओ, मुझे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए हर चीज, बिल्कुल परफेक्ट। अरे सर रुको, इसका ऑयल टैंक फाड़ के देखता हूँ। अरे सर हमारे ट्रक्स के भी ऑयल टैंक इतने ज्यादा मजबूत है कि ये भी नहीं फट रहे। भाई साहब क्या गाड़ी है, मॉडिफिकेशन की है, माशाल्लाह मजा आ गया। सर बहुत तगड़ी बनाई है सही में, ऑयल का टैंक बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता बिल्कुल भी, चाहे कोई कैसी बंदूक से चलाए, मैं तो AK-47 चला रहा हूँ, सबसे पावरफुल बंदूक है यार, मतलब कति माशाल्लाह। अरे कुछ भी कर लो तुम चाहे, पर तुम बाल भी बाका नहीं कर सकते इन गाड़ियों का, क्योंकि ये हमने मॉडिफाई किया और हमारी चीजें चांद तक नहीं रात तक चलती है। क्या देख रहे हो तुम मुंशी लाल, तुम्हें और भी काम करना है, जाओ और चीजें लेके आओ और टेस्ट करो इस चीज के ऊपर ये कितनी पावरफुल है। मसालेदार मस्त मौला, तो मैं अपना टैंक लेके आ चुका हूँ, मेरे कर्नल साहब ने मेरे को गिफ्ट दिया था मेरे 16वें बर्थडे पे, अब इस गाड़ी को मैं उड़ा दूंगा, ये ले। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसको उड़ा के देखते हैं, 1 2 3 ये ले। अरे गाइस कुछ नहीं होने वाला, जब मैं एक बार बोल चुका हूँ चाहे तुम कितने मिसाइल्स चला लो, कुछ भी कर लो, इन गाड़ियों का बाल भी बाका नहीं होने वाला है, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, मैंने अपना 100% दिया इन चीजों को बनाने में, कुछ भी कर लो, कोई भी मिलिट्री का वेपन यूज कर लो, मिसाइल तोप गन जो भी तुम्हारे पास है, ग्रेनेड। अरे इतनी मिसाइल मारने पे तो हमारा टैंक ही उड़ जाता है, टैंक ही उड़ जाएगा सर। वेरी गुड सुमित, तुमने गाड़ियों को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया, इतना तो हमारा टैंक भी नहीं सहन कर सकता जितना तुम्हारे गाड़ियों ने सहन किया है। अरे सर रुको, आखिरी बार ये देखते हमारे टैंक कितनी मिसाइलों में उड़ता है, 2 देखता हूँ कितने उड़ेगा, 3 4 5 6 7 8 अरे सर हमारा टैंक ही उड़ गया 8 मिसाइल में, और पर इसकी गाड़ियां नहीं उड़ रही एक भी। अरे मैं बोल रहा हूँ मैंने पूरा 100% दिया है मेरा। अरे सर सही में बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, इसको उड़ा के देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अरे अंकल जी कुछ नहीं हो रहा इनका तो,
माशाल्लाह क्या गाड़ियां बनाई, मजाक। सुमित मुझे मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हारी काबिलियत के ऊपर शक किया, पर तुम तो सेमी खतरनाक बिल्कुल तगड़े आदमी हो। तुमसे ज्यादा तो पावरफुल कोई भी नहीं। अगर तुम हमारे साथ ऐसे ही काम करोगे तो बहुत मजा आने वाला है सेमी, बहुत ज्यादा। तुम ऐसे ही काम करो हमारे साथ। अरे सर मैं अपने मिलिट्री के लिए कुछ भी करूंगा जो आप बोलोगे। अरे वो तो सही है, पेमेंट बताओ कैसे लोगे, कैश चेक या फिर डायरेक्ट बैंक में? अरे आपकी बड़प्पन, आप कैसे भी करिए। अरे सुमित भैया पैसे पूछो जल्दी, अभी लेके चलो साथ के साथ। अरे सिंचन में क्या बोलो यार, पर ठीक है यार, सर को क्या बोलू, मुझे को समझ नहीं आ रहा। अरे ठीक है सुमित, एक काम करो, इनको बोलो अकाउंट में भेज देंगे। चलो गाइस यार, अकाउंट भी भेज देंगे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से अब जल्दी से यार, अब पैसे के इंतजार है, मुझे पैसा आएगा मेरे अकाउंट में, मजा आने वाला है भाई। अरे सुमित अब तुम कहाँ जा रहे हो, मिलिट्री बेस में से बाहर जाना है ना? अब पागल है क्या? मैंने खुद की गाड़ी पहले यहाँ पर मंगा ली थी, मुझे पता था ये लोग गाड़ी वापस नहीं देंगे। अरे सुमित भैया तुम्हें कैसे पता चला? अबे मुझे सब पता है बेटे सिंचन। अरे सुमित भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ ना कि बेटा। अबे सिंचन यार मैं तो डायलॉग मार रहा हूँ यार। सुमित भैया डायलॉग मत मारो ठीक है ना, बुरा होगा तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा फिर। अच्छा 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 चल अब तू घर चल, जल्दी से टाइम पास मत कर इतना। मैं टाइम पास कर रहा हूँ क्या? तुम टाइम पास कर रहे हो, बकवास मत करो सुमित भैया। अबे ठीक है यार, बस मजाक ही तो कर रहा हूँ यार, तू सिर पे चढ़ जाते हर बार मेरे। तो गाइस फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं अपने शोरूम के ऊपर। क्या सुमित अभी से थक गए क्या? अबे नहीं नहीं थका नहीं हूँ, बस मेरे को थोड़ी नींद आ रही है यार, कल रात से नहीं सोया हूँ भाई, इतना काम किया, कितनी सारी गाड़ियां मॉडिफाई किए तेरे भाई ने। अरे सुमित वो तो मैंने नहीं की है, मतलब बाकी काम तो तेरे भाई ने किया, पेंट के डब्बे जमा करे, टायर्स मंगवाए, और भाई उस तेरे साले को भी उसको लाइन पे लेके आया, तो भाई बहुत काम किया तेरे भाई ने भाई। हाँ ठीक है सुमित भाई बहुत काम किया है तुम्हें, मुझे पता है कितना काम किया है। अच्छा रुक जा भी आ रहा हूँ, एक काम कर मैं जाके पर देख लेता हूँ अकाउंट में पैसे आया नहीं आए, बेट भेजे है मिलिट्री वालों ने नहीं भेजा। क्या यार ये कुर्सी कैसे अड़ज रही है। ओके तो गाइस यार यहाँ पर मेरे अकाउंट के अंदर पैसे आ चुके, और भाई साहब मिलिट्री वालों ने भेजे पूरे के पूरे 80 मिलियन यूरोज, ना कि डॉलर, यूरोज भेजे यार। और भाई यूरोज डॉलर से भी ज्यादा महंगे होते, मतलब बहुत सारा पैसा भेज दिया यार अभी हमारे अकाउंटों में। तो चलो गाइस अभी मेरे को एक छोटा सा काम और ये है, मुझे अभी जाना है सिंचन के साले के पास। अरे सिंचन वो मेरा साला नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हाँ मतलब यार पर अभी मेरे को तो याद तो तेरे साले के नाम से रहेगा ना। तो चलो गाइस सालेग्राम से मिलके आते और देखते भाई सालेग्राम आखिर क्या कर रहे भाई। अब कोई और साजिश तो नहीं मचा रहा भाई मेरे खिलाफ, वो भाई मेरे को तबाह करने के लिए। चलो यार देख ही लेता हूँ जाकर। ओके तो गाइस यार सालिग्राम के शोरूम भाई एकदम दिखने में तो मस्त है, पर साइज इनका बहुत छोटा है वैसे। के तो भाई सब चलो हम लोग आज के। अरे सालिग्राम का है? अरे सर आप सुमित हैं क्या? हाँ मैं सुमित हूँ। अरे सर हमारे बॉस ने आपके नाम कर दिए है सारे के सारे। क्या? हाँ ये आज से आपके शोरूम है। क्या भाई साहब ये मेरे शोरूम है? अरे सर वो दुखी आ गए सर आपसे, आपको बर्बाद नहीं कर पाए, खुद ही बर्बाद हो गए। ओ भाई साहब मेरे को बर्बाद करने चला था, खुद ही बर्बाद हो गया भाई, मेरे को बर्बाद करने वाले बने ही नहीं है। ओके तो गाइस यार मेरे को उसका कोई बंदा रखना नहीं है मेरे साथ, मेरे को पता है यार, क्या पता ये जो बंदा वो भी इसका जासूस हो या फिर कोई और काम बिगाड़े मेरा, इसलिए यार मैंने उसको काम से निकाल दिया भाई। मैं अपने खुद के बंदे रखूंगा सारे शोरूम्स के अंदर, और मुझे सही मुझे पता है तुम लोग क्या ही सोच रहे हो यार, 5-5 शोरूम हो चुके पर गाड़ियां किसी के अंदर भी नहीं है भाई। मैं क्या करूं यार, अभी तक जो प्रोजेक्ट मिला था वो भाई मिलिट्री वालों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो यार मैं भूल गया था कि गाड़ियां अपने शोरूम के अंदर नहीं है, तो अभी इनको फील करना बाकी है। मुझे पता है भाई अभी बहुत काम करना है, तो गाइस उनकी डिलीवरी हो जाएगी, तुम लोग टेंशन मत लो, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं और ना ही अपना कोई दुश्मन है। सालिग्राम जा चुका है भाई सिंचन का, तो अपना कोई कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता यार। और भाई सब वही एक कॉम्पिटिटर था पूरे मार्केट के अंदर, अब कोई और कॉम्पिटिटर भी नहीं यार तुम्हारे का, मतलब फुल लोग के भाई पूरी मौज लेगा तुम्हारा भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो गाइस ये है टेस्ला वाला शोरूम, इसके अंदर हमें भाई टेस्ला की गाड़ियां लेके आनी है भाई, इसके अंदर मैं सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने वाला हूं। टेस्ला की तो क्यों ही बेचूंगा यार, टेस्ला की तुम्हें पता है उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी होती है। तो फिलहाल गाइस अब मुझे वो सरप्राइज लेना है। गाइस आप लोगों को याद होगा मैंने एक गाड़ी बनवाई थी, देखो वो वाली सबसे लंबी गाड़ी। अब इसका आप लोग यही पूछ सोच रहे होगे यार इसका यूसेज क्या था, तो गाइस ये असल में मैंने किसी के लिए गिफ्ट में बनवाई थी। हां तुम लोग सही समझ रहे हो, मैंने किसी के लिए गिफ्ट अरेंज किया है ये गाड़ी, मैं किसी को गिफ्ट में देने वाला हूँ, और उसे देने के बाद मैं उससे शादी करने वाला हूँ। गाइस यार मेरी एक नई गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है गंजली, चलो तुम्हें मिलाता हूँ उससे। उससे पहले गाइस यार फिलहाल मेरे को थोड़ा काम उस पोर्स वाले शोरूम के अंदर, थोड़ा उससे काम करवा के आते हैं, उसके बाद चलेंगे अपनी सेटिंग से मिलने, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जिसका नाम है गंजली। भाई साहब उसका नाम थोड़ा अजीब है मुझे पता है, पर क्या करे यार, बस ठीक है ओके। अरे क्या भाई साहब गाड़ी आ गई? हाँ सर आ गई गाड़ियाँ आपके लिए सारी चीजें। गाड़ियां तो आनी थी ना, और बता कहाँ है सिंचन की वाइफ, मतलब तेरी वाइफ, सॉरी सॉरी।
अरे मैंने उसको तलाक दे दिया, बताया तो तुम्हें। अरे यार तूने तो पहली शादी की उससे भी तलाक ले लिया, दूसरे की उससे भी कर लिया तलाक ले लिया, आखिर तेरा लफड़ा गया है। अरे माशाल्लाह मैं बता रहा हूँ ना, मैं अब शादी नहीं करूंगा, मैं परेशान आ चुका हूँ यार। ठीक है ठीक है, चलिए गाड़ियाँ मेरे शोरूम के अंदर डिलीवर करवा दियो, मेरे को थोड़ा काम है इसलिए मैं कोई काम से जा रहा हूँ। ठीक है। अरे सुमित तू टेंशन मत ले यार, तेरा धंधा मेरा धंधा बराबर है। अरे हाँ वो तो मुझे पता है। ओके ठीक है, डीलरशिप की सारी गाड़ियाँ तेरे घर पर पहुँचा दूंगा, घर पर नहीं शोरूम पर। अरे हाँ मतलब तेरा घर ही है ना यार, शोरूम घर पर थोड़ी जाता है, तू शोरूम में रहता है। यार ये बात सही है, सही कह रहा है यार, मैं तो घर पर ही गए काफी दिन हो गए, मुझे घर खरीदना चाहिए यार नया। हाँ मेरे को एक नया घर खरीदना चाहिए। गाइस तुम लोग बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कौन सा नया घर खरीदना चाहिए। तो चलो गाइस यार अब अपनी गर्लफ्रेंड के पास चलते हैं, उसको जाके गिफ्ट से सरप्राइज करते यार, और उसका रिएक्शन देखते भाई साहब, उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। यार मैं उसे देने वाला हूँ इतनी लंबी गाड़ी, और लॉस सैंटोस की ये सेमी सबसे लंबी गाड़ी है यार, और ये कितनी ज्यादा उस समय। तो चलो गाइस चलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास और उसको सरप्राइज देते हैं यार। ओके तो भाई साहब मेरी गर्लफ्रेंड रहती है यहाँ पर भाई पहाड़ों वाले इलाकों में, भाई वो थोड़ी रही से ये रही। हो गंजली कैसी है तू? अरे सुमित मैंने तुम्हें मना किया, मुझे इस नाम से मत बुलाया करो, मुझे तुम बारबी डॉल बुलाया करो। हाँ मेरी बारबी डॉल गंजली। अरे सुमित ऐसे मत बोलो ना। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो मैं और गंजली अब हम दोनों शादी कर ले तो कमेंट बॉक्स में बताना यार कि हम लोग शादी करें ना करें। तो गाइस आज के लिए बस इतना, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी मेक वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर पहले बार भूल पड़ गया सब्सक्राइब कर देना, हम लिंक सुनेंगे, जब तक के लिए सायोनारा।